नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नए फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं एयरटेल कंपनी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अयोध्या के अंदर एयरटेल कंपनी ने अपने नेटवर्क को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अपग्रेड किया है। आपको पता है 22 तारीख को अयोध्या के अंदर राम मंदिर का जो रामलला का मूर्ति है उसका इनॉग्रेशन था, जिस कारण से बहुत सारे VIPs जो है वो यहाँ पर इनवाइटेड थे। ऑलमोस्ट 7,000 VIPs जो है वो इस इनॉग्रेशन प्रोग्राम के अंदर इनवाइटेड थे। और 23 तारीख से आम पब्लिक के लिए अयोध्या का जो राम मंदिर है उसे यहाँ पर खोल दिया गया है। आपको पता है काफ़ी सारे विजिटर्स जो है वो मेरे इस मंदिर को दर्शन करने के लिए जाएंगे, और जितना विजिटर्स यहाँ पर जाएंगे डेफिनेटली हर एक के पास तो मोबाइल फ़ोन होंगे ही होंगे, जिस कारण से जो टेलीकॉम कंपनीज है वो काफ़ी ज़्यादा तत्पर हो चुका है कि उस जगह के अंदर जो कनेक्टिविटी है, मतलब हर एक यूजर्स का जो कनेक्टिविटी है वो एकदम सीमलेस मिले, जिस कारण से अयोध्या के अंदर काफ़ी बड़ा अपडेट यहाँ पर किया गया है। इस वीडियो के अंदर मैं पूरा डिटेल्स आपको बताऊँगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आशा करते हैं वीडियो जो आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। दोस्तों, इससे पहले मैंने रिलायंस जो कंपनी के बारे में बताया था कि रिलायंस जो कंपनी अयोध्या के अंदर अपना जो नेटवर्क अपग्रेड है वो यहाँ पर किया है। उसी के साथ साथ अगर मैं BSNL कंपनी की बात करता हूँ तो ऑलरेडी अपने 4G सर्विसेज को उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर BSNL ने स्टार्ट कर दिया है। अभी एयरटेल की बारी है। एयरटेल भारत के अंदर अपने 4G और 5G दोनों टाइप ऑफ सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, और इस सर्विस को कंटिन्यू रखने के लिए एयरटेल कंपनी ने नया मोबाइल टावर यहाँ पर इंस्टॉल किया है और नया स्पेक्ट्रम भी यहाँ पर डिप्लॉय किया है, ताकि बहुत सारे लोग अगर एक साथ अपने मोबाइल को यूज करना चाहे, अपने 5G और 4G सर्विसेज को यहां पर यूज करना चाहे, तो किसी भी यूजर्स को कोई भी दिक्कत यहां पर ना हो। इसका मतलब अगर मल्टीपल यूजर्स एक साथ इंटरनेट को यूज करना चाहे, डाउनलोड अपलोड करना चाहे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काफी आराम से वो ये काम कर सकते हैं। उसी के साथ बहुत सारे जो विजिटर्स है वो यहां पर अयोध्या के अंदर विजिट करेंगे, तो हर एक को सीमलेस कनेक्टिविटी यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। रिसेंटली एयरटेल कंपनी की तरफ से नए से ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन को यहां पर बिछाया गया है, क्योंकि देखिए जो टावर टू टावर कम्युनिकेशन है वो अगर ऑप्टिकल फाइबर की मदद से होते हैं तो डेफिनेटली कस्टमर्स को एकदम सुपीरियर सर्विस यहां पर मिलेंगे, जिस काम को एयरटेल ने यहां पर किया है। जो पहले टावर टू टावर कम्युनिकेशन वायरलेसली होते थे, उस जगह के अंदर एयरटेल ने पूरे सिटी के अंदर ऑप्टिकल फाइबर को बिछाया है। उसी के साथ जो मोबाइल टावर्स है वो भी यहां पर इंस्टॉल किया है, यानी सेल्स ऑन ए व्हील सर्विसेज को भी यहां पर एयरटेल स्टार्ट किया है, ताकि जो पर्टिकुलर एरिया के अंदर सबसे ज्यादा नेटवर्क कंजेशन रहते हैं, जहां पर लोगों को नेटवर्क की आवश्यकता है, उस जगह के अंदर एयरटेल अपने सर्विसेज को यहां पर प्रोवाइड कर सके। दोस्तों, यहां पर सेल्स ऑन ए व्हील जो सर्विसेज है वो कुछ की लोकेशंस को यहां पर एयरटेल कंपनी की तरफ से दिया जा रहा है। अगर मैं कुछ लोकेशंस के यहां पर नाम बताऊं तो यहां पर अयोध्या धाम, अयोध्या कैंट एयरपोर्ट, कांटा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, रामपसक पार्क, रामभद्रा, गुप्तर घाट और हाईवे के आसपास काफी सारे जगह के अंदर एयरटेल अपने सेल्स ऑन ए व्हील सर्विसेज को यहां पर चालू कर दिया है। उसी के साथ एयरटेल कंपनी की तरफ से काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ वर्कफोर्स को यहां पर डिप्लॉय किया गया है। अगर किसी भी कारण से नेटवर्क ब्रेकडाउन यहां पर होते हैं तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जितना जल्दी हो सके उसका सोल्यूशन निकालने के लिए एयरटेल ने काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ जो कर्मचारी है वो यहां पर लगा है। बहुत सारे टेक्नीशियंस, बहुत सारे कस्टमर केयर सपोर्ट जो है वो यहां पर डिप्लॉय किया है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करता हूं राम मंदिर, जो भारत के आज के डेट के अंदर सबसे चर्चित विषय है, उस जगह के अंदर एयरटेल ने किसी भी तरीके का खामी जो है वो यहां पर नहीं रखा है। एयरटेल कोशिश कर रहा है कि कस्टमर्स को, यानी जो विजिटर्स है, उनको एकदम सीमलेस कनेक्टिविटी यहां पर मिल पाए। तो ये सारा अपडेट हमारे पास निकल कर आया था, छोटा सा वीडियो बनाकर आपको बता दिया। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लाइक उनको दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। आपसे मुलाकात होगी ऐसी कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।